गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू टुडे? प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में अर्थात पिछले वीडियो में हम ईवीएस का चैप्टर 4 का पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। आज हम ईवीएस के लेसन 4 का पार्ट 2 पढ़ेंगे। हमारे लेसन का नाम है आवर फर्स्ट स्कूल, हमारा प्राथमिक विद्यालय। टाइप ऑफ फैमिलीज परिवार के प्रकार। परिवार कितने प्रकार के होते हैं? फैमिलीज आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, परिवार अनेक प्रकार के होते हैं। आप सभी जानते भी हैं, कोई छोटा परिवार होता है, कोई बड़ा परिवार होता है, किसी में परिवार के सदस्य ज्यादा होते हैं, किसी में कम होते हैं। इसलिए फैमिलीज आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, इसलिए परिवार अलग अलग प्रकार के होते हैं। सम आर स्मॉल, कुछ परिवार छोटे होते हैं। सम आर बिग, कुछ बड़े होते हैं। व्हेन पेरेंट्स, जब माता पिता एंड देयर चिल्ड्रन, और उनके बच्चे लिव टुगेदर, इकट्ठे रहते हैं। जब परिवार में माता पिता और उनके बच्चे इकट्ठे रहते हैं, इट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फैमिली। उस परिवार को हम क्या कहते हैं? एकल परिवार कहते हैं, अर्थात छोटा परिवार कहते हैं। यहां पर फिर न्यूक्लियर का मतलब है एकल परिवार। न्यूक्लियर फैमिली एकल परिवार, अर्थात जिस परिवार में माता पिता और उनके बच्चे रहते हैं, तो वो परिवार एकल परिवार कहलाता है। व्हेन पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन, जब पेरेंट्स माता पिता एंड देयर चिल्ड्रन और उनके बच्चे अलोंग के साथ, विद ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी के साथ, आंट्स चाची ताई के साथ, एंड अंकल्स और चाचा ताऊ के साथ लिव टुगेदर, इकट्ठे रहते हैं, इट इज कॉल्ड ज्वाइंट फैमिली, उसे हम संयुक्त परिवार कहते हैं। अर्थात व्हेन पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन, जब माता पिता उनके बच्चे अलोंग विद ग्रैंड पेरेंट्स, अपने दादा दादी के साथ, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं दादा दादी, आंट्स चाची ताई एंड अंकल्स चाचा ताऊ लिव टुगेदर, इकट्ठे रहते हैं, इट इज कॉल्ड ज्वाइंट फैमिली, वो परिवार संयुक्त परिवार कहलाता है, अर्थात बड़ा परिवार कहलाता है। आजकल ज्वाइंट फैमिली बहुत कम देखने को मिलती है, क्योंकि सभी परिवार बहुत छोटे छोटे हैं। अंकल्स आंट्स एंड देयर चिल्ड्रन, अंकल्स चाचा ताऊ आंट्स चाची ताई एंड देयर चिल्ड्रन और उनके बच्चे, यानी कि आपके चाचा हैं, ताऊ जी हैं, चाची जी हैं, ताई जी, उन सभी के बच्चे आर आवर रिलेटिव, हमारे सभी संबंधी हैं, उनके साथ हमारा संबंध है, रिलेशन है। These relatives are of two types. These relatives, ये जो relatives हैं, ये हमारे जो सगे संबंधी हैं, are of two types, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? टू प्रकार। Those from father's side, जो relatives पिताजी के परिवार की तरफ से होते हैं, are called paternal relatives, उनको पैतृक संबंधी कहते हैं। अर्थात जो हमारे पिताजी हैं, उनके परिवार की तरफ के, जैसे कि हमारे चाचा हैं, ताऊ जी हैं, उनके बच्चे हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? पैतृक रिलेटिव्स, यानी कि जो पिताजी की तरफ से होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? पैतृक रिलेटिव्स कहते हैं, पैतृक संबंधी कहते हैं। एंड और दोस फ्रॉम मदर साइड, और जो रिलेटिव हमारे माता जी की तरफ से होते हैं, आर आर पैटर्नल रिलेटिव्स, उनको हम क्या कहते हैं? मातृक संबंधी कहते हैं। अर्थात माता जी के जो संबंधी होते हैं, उनको मातृक कहते हैं। जैसे
माता जी के संबंधी कौन कौन होते हैं, जैसे नाना जी हैं, नानी जी हैं, मौसी है, मामा जी है, अर्थात जो माता के परिवार से होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, मैटरनल रिलेटिव्स। वी लुक लाइक अवर फैमिली मेंबर्स, वी लुक, हम दिखाई देते हैं, क्या कहते हैं, दिखाई देते हैं, लोगों जो दिखाई देते लाइक अवर फैमिली मेंबर्स, हमारे परिवार के सदस्यों की तरह, मेंबर होता है सदस्य, और रिलेटिव्स या फिर हमारे सगे संबंधियों की तरह दिखाई देते हैं हम, इन सेम और अदर वे, कुछ न कुछ प्रकार से, यानी किसी न किसी प्रकार से हम या तो हमारे परिवार के जो सदस्य होते हैं उनकी तरह होते हैं दिखाई देते हैं हम, या फिर हमारे सगे संबंधी होते हैं उनकी तरह हम दिखाई देते हैं। दीज आर पास्ड ऑन टू अस फ्रॉम आवर पेरेंट्स बाय बर्थ, जो ये गुण है जो हम माता पिता की तरह या अपने सगे संबंधियों की तरह दिखाई देते हैं, तो ये जो गुण दीज आर पास्ड ऑन अस, ये हमारे अंदर चले जाते हैं फ्रॉम आवर पेरेंट्स, अपने माता पिता से बाय बर्थ, जन्म के द्वारा, जब हम जन्म लेते हैं, जब हमारा जन्म होता है तो ये सभी जो गुण है हमारे अंदर आ जाते हैं। जैसे कई बार आपने देखा भी है, बताते हैं कि इस ये बच्चा अपने माता पिता पर है, अपने दादा दादी पर है, अपने मामा पर है, तो ये जो सभी गुण है तो कहाँ कब आते हैं, ये जन्म से ही आ जाते हैं। These characters are called hereditary characters, इनको हम वंशानुगत गुण कहते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आ जाते हैं वो गुण हेरिडिटरी कैरेक्टर्स कहलाते हैं, यानी कि वंशानुगत गुण कहलाते हैं। टू चिल्ड्रन, दो बच्चे बोर्न एट द सेम टाइम आर मीन टू चिल्ड्रन, दो बच्चे बोर्न जब जन्म लेते हैं एट द सेम टाइम, एक ही समय में, एक ही समय पर जब दो बच्चे जन्म लेते हैं आर मीन, उनको जुआ बच्चे कहते हैं। आप सभी जानते हैं जब एक ही समय पर दो बच्चे जन्म ले लेते हैं तो उनको हम ट्विंस कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्विंस, जिसका अर्थ है जुड़वा बच्चे। दे यूजुअली लुक सिमिलर, वे प्राय एक जैसे दिखाई देते हैं, वो जो दो बच्चे एक समय में जन्म लेते हैं तो लगभग वो एक जैसे दिखाई देते हैं, सिमिलर होता है उसी की तरह, एक दूसरे की तरह दिखाई देना। दे मे बी टू ब्रदर्स, दे मे बी टू ब्रदर्स, ये दो भाई हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, दो भाई हो सकते हैं, अर्थात दो लड़के हो सकते हैं, टू सिस्टर्स, दो बहनें हो सकती हैं, यानी कि दो लड़कियां भी हो सकती हैं, और एक ब्रदर एंड ए सिस्टर, एक भाई हो सकता है और एक बहन भी हो सकती है, अर्थात जब दो बच्चे जन्म लेते हैं एक ही समय पर, जब जुड़वा बच्चे होते हैं तो उनमें कई बार देखने को मिलता है कि टू ब्रदर्स, दो भाई हो सकते हैं, टू सिस्टर्स, वो दोनों बहनें भी हो सकती हैं, और एक ब्रदर एक या फिर एक भाई और एंड ए सिस्टर या फिर एक बहन, भाई और बहन भी हो सकती है। समटाइम्स कई बार दे लुक एज डिफरेंट, कई बार वो क्या होता है, हमने उनको पढ़ा है कि वो एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन समटाइम्स कई बार दे लुक एज डिफरेंट, वो ऐसे अलग दिखाई देते हैं, कैसे, एज एनी अदर टू चिल्ड्रन, जैसे कि दो दूसरे बच्चे दिखाई देते हैं, अर्थात हमने इस लेसन में ऊपर पढ़ा था कि वो तो जो जुड़वा बच्चे होते हैं वो एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है वो अलग अलग भी दिखाई देते हैं। तो इस चैप्टर में हमने पार्ट वन में इस लेसन को आधा पढ़ा था, तो आज हमारा ये पूरा लेसन कंप्लीट हो चुका है, इसलिए इसको बड़ी अच्छी प्रकार से आपने सुनना है, देखना है, यदि फिर भी कोई कमी रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में उसका उसके बारे में आप पूछ सकते हैं, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में जो पार्ट थ्री इसकी एक्सरसाइज में होगा तो उसमें उसको क्लियर कर सकें, क्योंकि जो लेसन में पढ़ते हैं हम वही आपका जो आपकी एक्सरसाइज होती है, फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, मैच होते हैं, क्वेश्चन आंसर होते हैं, उनमें इसी में से ही पूछा जाता है। तो ये हमारा लेसन कंप्लीट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।